नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए ये कितना खूबसूरत है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप जेंट्स स्वेटर में डालिए, किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लें। इस लाइन में यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बताऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। तो हम लोग रॉन्ग साइड में हैं, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब उनको दूसरी ओर करेंगे और शेष फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, अब लास्ट फंदा बचा है तो ये एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फंदा है, तो ये देखिए जो उल्टा ये बना हुआ है, इसके नीचे हम सिलाई डालेंगे। ये देखिए ये जो छेद है, हम इसमें सिलाई डालेंगे एक लाइन नीचे और सीधा फंदा बना लेंगे। अगले फंदे को हम नॉर्मली सीधा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट फंदा है, तो ये उल्टा फंदा है, उसके नीचे हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऐसा करने से देखिए ये खुल जाएगा। अब अगला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा और अगला फंदा नॉर्मली सीधा, एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा और अगला फंदा नॉर्मली सीधा, एक लाइन नीचे से सीधा, अगला नॉर्मली सीधा, एक लाइन नीचे से सीधा, अगला नॉर्मली सीधा। तो इन्हीं दोनों फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा नॉर्मली सीधा। तो एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा बुनते हुए, दूसरे फंदे को नॉर्मली सीधा बुनते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर रॉन्ग साइड में हैं, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे और शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे।
और लास्ट फंदा उल्टा। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फंदा, ये जो लाइन गई है, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, जब लाइन गई है उस फंदे को बुनने के लिए हम एक लाइन नीचे से बुनेंगे और अगले फंदे को नॉर्मली सीधा। अब देखिए ये एक सीधी लाइन गई है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो सीधी लाइन गई है उस वाले फंदे को हमें एक लाइन नीचे से सीधा बुनना है, अगले फंदे को नॉर्मली सीधा। अब फिर देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन गई है, यानी इस फंदे को हम एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे, यानी सिलाई पर से ना बुन के यहाँ नीचे से हम बुनेंगे, और अगले फंदे को हम नॉर्मली सीधा। देखिए ये फिर सीधी लाइन गई है, यानी इस फंदे को हमें एक लाइन नीचे से बुनना होगा और दूसरे फंदे को नॉर्मली सीधा। एक फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा और दूसरे फंदे को नॉर्मली सीधा। एक फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा और दूसरे फंदे को नॉर्मली सीधा। तो दो ही फंदे को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और बेसिकली ये एक ही लाइन का डिज़ाइन है। चौथे लाइन में हम अपने दूसरे लाइन को ही दोहरा रहे हैं, एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है और दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है। इन्हीं दोनों फंदों को पूरी लाइन में हमें दोहराना है। एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, अगला फंदा नॉर्मली सीधा। एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, अगला फंदा नॉर्मली सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है। एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है और देखिए कितना खूबसूरत। आप इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। और एक बात और बता दूं, इस डिज़ाइन को बनाते समय हमें फंदे थोड़े कम डालने होंगे क्योंकि ये फैलने वाला डिज़ाइन है। तो जितने फंदे आप स्वेटर में डालते हो उससे कम से कम 5 फंदे आप कम डालें। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।